लिमिटेशन ऑफ बोथ थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ लिमिटेशंस ऑफ बोथ थ्योरी। तो देखिए बोथ थ्योरी कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। बोथ थ्योरी केवल उन्हीं एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाते हैं जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन और उसमें फर्स्ट ऑर्बिट है, केवल एक ऑर्बिट, ठीक, फर्स्ट ऑर्बिट इज द लास्ट ऑर्बिट, है एक ही ऑर्बिट होती है। तो बोथ थ्योरी एक्सप्लेन ओनली स्पेक्ट्रा एटम्स आर आयंस हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, है ठीक है, एटम्स आर आयंस हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन वन ऑर्बिट एंड वन ऑर्बिट, है ठीक है, केवल इसी को एक्सप्लेन करता है। और ये स्पेक्ट्रा ऑफ एटम हैविंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, एक कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी, कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी मल्टी इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मैंने ऐसे एटम जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। दूसरा जो है इट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑब्टेन फ्रॉम ए सिंगल स्पेक्ट्रा, है ठीक है, एक सिंगल स्पेक्ट्रा के लिए में भी बहुत सारे लाइंस होते हैं, अ सिंगल स्पेक्ट्रा इज मेड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ फाइन लाइंस, फाइन स्ट्रक्चर लाइंस, है इस चीज को इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा वन स्पेक्ट्रा, वन स्पेक्ट्रा इज मेड ऑफ मेनी फाइन लाइंस, है मेनी फाइन लाइंस, ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, है स्पेक्ट्रल लाइंस, और दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, ये मॉडल इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे एक मेंबर मिल रहा है, हाँ हाइड्रोजन एटम का एक मेंबर जो है ये कई सारे छोटे छोटे मेंबर से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, इस चीज को इनका मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है। तीसरा जो है जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिलने वाले लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में पास करें तब ये बहुत सारे कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है, बहुत सारे स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जीमेन फिल्टर, क्या कहते हैं जीमेन फिल्टर, व्हेन स्पेक्ट्रा
model cannot explain this geometry, this phenomenon known as geometry. So this model cannot explain geometry, ठीक है? ठीक है? तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं. लाइन ऑब्टेंड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम व्हेन पास थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं, ठीक है, देन इट स्प्लिट इनटू मेनी पार्ट्स, मेनी वेवलेंथ्स. तो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन दिस. तो इसे क्या कहते हैं, स्टार इफेक्ट कहते हैं. क्या कहते हैं, स्टार इफेक्ट, स्टार इफेक्ट. तो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन जीमेन इफेक्ट एंड स्टार इफेक्ट, हां ठीक है, कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय दिस, एक्सप्लेन बाय दिस. इस मॉडल से ये चीज नहीं एक्सप्लेन हो सकती है, ठीक है. और जो है इनका मॉडल जो है किस लाइन की इंटेंसिटी कितनी होगी ये चीज नहीं पता पता. तो दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइन, कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइन, कैन नॉट एक्सप्लेन इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइन. कौन सी लाइन कम इंटरेस्ट होगा, कौन सा कम ज्यादा होगा, इस चीज को इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है. और फिर चलिए, जैसे किस हाइब्रिड में कितने एटम हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को नहीं बता पाता इनका मॉडल है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ठीक है. सिक्स अजय, तो ये किस आयरन में कितने काम होगा इस चीज को नहीं बता पाता इनका मॉडल. और जो है तो देखे जैसे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होती है, बताओ इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने निकाला था 2.19 इंटू 10^6 इन फर्स्ट आयरन ना, सेकंड मॉडल में इतनी हाई ब्लास्टी से चलने वाला पार्टिकल, लाइट पार्टिकल का नेचर क्या होगा, तो बेम नेचर होगा. हाँ आइए आ जाइए, छुट्टी है क्या, नहीं छुट्टी नहीं, किसने कहा बेम नेचर, बेम नेचर होता है, ठीक है. दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन बेम नेचर, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन बेम नेचर, दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट एक्सप्लेन बेम नेचर, इसके बाद समरफील्ड मॉडल है, समरफील्ड मॉडल, ठीक है. उसके बाद फिर मॉडर्न मॉडल आए हैं.